तेरे दाना तेरे तेरे। ये चीटिंग नहीं है, ये सेटिंग है। मई 2022 में पहले सिर्फ एक या दो ही फिल्में रिलीज करने का प्लान था, पर अब रिलीज कैलेंडर बदल चुका है और इस मंथ 6 बॉलीवुड फिल्में थिएटर्स में रिलीज होने वाली हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के जानते हैं इनके बारे में। बट आप चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए लिस्ट शुरू करें। नंबर 1, जयेश भाई जोरदार। नाम है उसका जयेश भाई और काम है उसका जोरदार। रणवीर सिंह की ये मूवी पिछले काफी टाइम से कोरोना की शिकार हो रही थी, बट अब फाइनली इसकी भी रिलीज पिछले दिनों कंफर्म हो गई है। रणवीर सिंह ने बड़े ही मजेदार अंदाज में इसकी रिलीज डेट अनाउंस करी। ये फिल्म 13 मई को रिलीज होने जा रही है। रणवीर सिंह हमेशा अपने किरदारों के साथ एक्सपेरिमेंट करते नजर आते हैं और इस बार भी कुछ ऐसा ही दिखने वाला है। रणवीर इसमें गुजराती अंदाज में दिखेंगे। संजय लीला भंसाली की ब्लॉकबस्टर फिल्म गोलियों की रासलीला रामलीला में भी रणवीर एक गुजराती का रोल निभा चुके हैं। अब देखना होगा कि इस बार उनकी परफॉर्मेंस कैसी रहती है। साथ में ये भी बता दें कि बोमन ईरानी इस फिल्म में रणवीर सिंह के डैडी का रोल प्ले करने वाले हैं। नंबर 2, आंख में चोली। आंख में चोली एक बॉलीवुड कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशन उमेश शुक्ल कर रहे हैं। फिल्म के स्टार कास्ट में अभिमन्यु, मृणाल ठाकुर, परेश रावल, शर्मन जोशी, दिव्या दत्ता, अभिषेक बैनर्जी, दर्शन जरीवाला, ग्रुशा कपूर और विजय राज नजर आएंगे। ये फिल्म भी 13 मई को ही रिलीज होने वाली है। नंबर 3, हिट द फर्स्ट केस। तेलुगु फिल्म हिट की हिंदी रीमेक बन रही है जिसमें राजकुमार राव लीड रोल में नजर आएंगे। इस फिल्म का टाइटल हिट द फर्स्ट केस रखा गया है, तो उम्मीद है कि इसकी पूरी सीरीज ही बनाई जाएगी। खैर अभी इस बारे में कुछ सामने नहीं आया है, बट ये फिल्म 20 मई को रिलीज होने जा रही है। बीते दिनों ही इसकी शूटिंग कंप्लीट हुई है। अब देखते हैं कि इसकी रिलीज डेट यही रहती है या फिर आगे खिसकाई जाती है। मूविंग ऑन, नंबर 4, भूल भुलैया 2। कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी की मोस्ट अवेटेड फिल्म भूल भुलैया 2 फाइनली 20 मई को रिलीज होगी। पहले फिल्म को KGF 2 के साथ रिलीज किया जाने वाला था, लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स को ध्यान में रखते हुए इसको आगे बढ़ा दिया गया, जो कि नो डाउट एक बहुत ही स्मार्ट मूव था, क्योंकि रॉकी की आंधी में मंजौलिका भी उड़ जाती। एनीवे, भूल भुलैया 2 एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जो कि अक्षय कुमार की भूल भुलैया का सीक्वल है। इसमें हमें कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी के अलावा तब्बू, परेश रावल, जॉनी लीवर, संजय मिश्रा, असरानी और राजपाल यादव जैसे एक्टर्स भी मस्ती करते नजर आएंगे। नंबर 5, धाकड़। कॉपी दैट रिंग मास्टर, ओवर एंड आउट। बीते दिनों कंगना रनौत की अपकमिंग फिल्म धाकड़ का टीजर भी रिलीज हुआ था। इसके साथ ही मूवी की रिलीज डेट का भी ऐलान कर दिया गया। एजेंट अग्नि बनी कंगना रनौत स्क्रीन पर जबरदस्त एक्शन करती हुई नजर आएंगी। ये भी बताया जा रहा है कि वो फिल्म में 7 अलग अलग अवतारों में दिखाई देंगी। ये फिल्म अब 20 मई को रिलीज होने जा रही है। पहले इसको 27 मई को रिलीज करने का प्लान था, लेकिन अब 27 को आयुष्मान खुराना की फिल्म आ रही है जिसका नाम है अनेक। अनेक में हम आयुष्मान खुराना को एक बार फिर से कुछ नया करते हुए देखेंगे। इस बार एक्टर एक सोल्जर के रोल में नजर आने वाले हैं। अनुभव सिन्हा के निर्देशन और बनासर मीडिया वर्क्स टी सीरीज के बैनर के अंडर बनी इस फिल्म को इंडिया के नॉर्थ ईस्ट रीजन में शूट किया गया है। कई बार पोस्टपोन हो चुकी इस फिल्म की रिलीज डेट अब 27 मई फिक्स की गई है। होपफुली अब ये और ज्यादा डिले नहीं होगी। तो ये थी मई 2022 की अपकमिंग बॉलीवुड मूवीज। आप इनमें से किसको लेकर सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और जुड़े रहें फिल्मी बाइट के साथ फॉर एवरीथिंग फिल्मी।